हमारे साथ राजा किशोर सर जुड़े हैं जो ग्रामीण ई स्टोर देखते हैं सीएससी से, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम सभी को एक बार संबोधित करें। थैंक यू दीक्षांत एंड सभी वीएलई भाई और बहनों को नमस्कार। एंड आज एक अच्छा शुभ दिन है बिकॉज देर आर थ्री थ्री गुड इवेंट्स आर हैपनिंग इन हरियाणा एंड हमारा स्टेट हेड आशीष जी एंड आवर एमडी सर इज ऑलवेज सेइंग सम न्यू इनोवेटिव आइडियाज एंड ऑल। इनफैक्ट बाल विद्यालय एक अनोखा और इनोवेटिव और यूनिक प्रोग्राम है बिकॉज आई एम टेलिंग यू विद कॉन्फिडेंस दैट जो बच्चे बाल विद्यालय से बाहर आएंगे जब वो फॉर्मल स्कूलिंग में जाएंगे सो दे विल बी फार सुपीरियर टू ऑल अदर चिल्ड्रन हु आर नॉट लर्निंग एट होम और थोड़ा प्ले स्कूल्स इन अर्बन एरियाज विच आर वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल दैट। एंड जैसे कि मैं एक झारखंड का मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा स्टेट हेड शंभू जी ने मुझे बताया कि बिकॉज यू नो हाउ पीपल लर्न राइम्स और टेबल्स वन वन जा वन वन टू जा टू तो अगर वो टेक्नोलॉजी में वो टेबल प्ले हो रहा बच्चे पकड़ रहा टेबल को सो देर इज नो टीचर एक्चुअली एज त्यागी सर वॉज मेंशनिंग कोई टीचर बीच में नहीं रहेगा एजुकेशनल और फैसिलिटेटर रहेंगे और टेक्नोलॉजी विल डू दैट। एंड एक कमाल की चीज ऐसा उभर के आई है कि झारखंड में एक छोटा सा गाँव में एक बाल विद्यालय में एक लड़की एक्चुअली शी इज गेटिंग द अमेरिकन एक्सेंट बिकॉज हमारा देश में एक एक्सेंट इज अभी इम्पोर्टेंट थिंग एंड तभी बिकॉज शी इज लर्निंग टेबल्स एंड नहीं लैंग्वेज राइम्स फ्रॉम द एक्सेंट कमिंग फ्रॉम व्हाट एवर एलेक्सा और व्हाट एवर टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग सो उसका था एक्सेंट भी अपग्रेड हो गया बिकॉज हर एक्सेंट बोला। इज मच मोर बेटर देन एनीबॉडी इन सिटीज। सो टेक्नोलॉजी स्पेशली जो प्ले स्कूल के बच्चे हम बाल विद्यालय में सिखा रहे हैं दिस इज मोर टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग एंड इट इज ऑल्सो परफेक्टली फिट्स विद द डिजिटल एनवायरमेंट विच इज कमिंग बिकॉज अभी जो बच्चे बाहर आएंगे बाल विद्यालय से स्कूल में जाएंगे दे आर ऑल डिजिटल सिटीजन्स ओके एंड 100% दे विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन पीपल एंड टेक्नोलॉजी इज गुड एंड इट इज एन एनेबलर। एंड आप सभी को हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द बाल विद्यालय एंड जैसे कि रायल मित्र केंद्र जो 1100 आज खुले हैं एंड सबको ये कि इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग बिकॉज ये बड़ी खुशी की बात है कल हमारा एमडी सर भी एक वीडियो शेयर करे हैं बिकॉज कोई मुझे पूछता था सर सीएससी में क्या होता है ओके एंड सीएससी वाले क्या करते हैं सो दिस क्वेश्चन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी मेरा दोस्त भी पूछते हैं पीपल इन गवर्नमेंट पीपल इन कंपनी सभी पूछते हैं बट जब कल आप प्रधानमंत्री जी का वीडियो आप अगर देखे तो एंड ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑल द गुड वर्क सभी वीएलई भाई और बहनों ऑल ओवर द कंट्री 4 लाख सीएससी वीएलई जो करे हैं सीएससी टीम करे हैं कल प्रधानमंत्री जी ने उसका अप्रिशिएट किया एंड ही इज ऑल्सो टेलिंग द वर्ल्ड दैट वॉट सीएससी इज डूइंग फॉर द कंट्री एज ए होल फ्रॉम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल योर एफर्ट ऑल योर वर्क बिकॉज दो चीजें आप ध्यान में रखिए एक है जो कॉमन मैन गांव में रहता है उसको पता है सीएससी उसको क्या करता है एंड जो देश का प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उनको पता है सीएससी क्या बिकॉज बाकी का बीच में तो सब कुछ है बट वी नो वी हैव द ग्रास रूट कनेक्ट विद द पीपल एंड द हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री प्राइम मिनिस्टर जी को मालूम है सीएससी लोग क्या अच्छा काम करते हैं सो दैट इज ए ग्रेट टेस्टिमोनी एंड ऐसे कि बाल विद्यालय में भी आप जरूर अच्छा काम करिए एंड रायल मित्र केंद्र एनीवे सर्विसेज वी आर डूइंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स एंड विथ रायल मित्र केंद्र एक बात मैं इटरेट करना चाहता हूँ कि ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर इट इज बाल विद्यालय हो रेलवे हो वीटा हो बिकॉज लोग क्या है थोड़ा ब्रांड से जुड़ते हैं ओके सीएससी एक बड़ा ब्रांड है डेफिनेटली बट अभी क्या हो रहा है सीएससी में बाल विद्यालय एक एजुकेशन रिलेटेड सर्विस का ब्रांड है वो भी डेवलप करना है हमको और रेलवे टिकटिंग सेपरेट ब्रांडिंग करे तो क्या है लोग आपके पास ज्यादा आएंगे एंड वीटा सेंटर्स जो हम अभी 101 वीटा सेंटर्स आज लाए हुए हैं उनको भी कंग्रेचुलेशंस एंड अभी आप देखिए प्रोडक्ट है एजुकेशन है सर्विस है ओके ये क्या है ये थोड़ा जुगलबंदी हो रहा है बिकॉज लोगों को कुछ भी चाहिए वी कैन एक्चुअली गिव देम वी कैन गिव प्रोडक्ट वी कैन गिव सर्विस वी कैन गिव एजुकेशन एंड सीएससी इज डेफिनेटली एज हमारा त्यागी सर बोलते हैं एक बड़ा आंदोलन है ओके अभी रुकने वाला नहीं है ये और बड़ा होगा ये एंड वी वांट टू हेल्प पीपल वी वांट टू हेल्प विद पीपल विद सर्विसेज विद प्रोडक्ट्स विद एजुकेशन एंड स्किल सो एंड आई शुड कंग्रेचुलेट हमारा स्टेट हेड आशीष जी एंड एंटायर हिज टीम
बिकॉज ये एक यूनिक प्रोग्राम है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली बिकॉज हम लोग भी ये शेयर करते हैं फेसबुक में अदर, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। सी हमारा पहला गुरु है वीएलई, बिकॉज आप सब लोग जो प्रैक्टिकल ग्रास रूट लेवल एक्सपीरियंस है हमको शेयर करते हैं। आप अगर हरियाणा में अच्छा हुआ हम तमिलनाडु में इंप्लीमेंट करते हैं, तमिलनाडु में अच्छा हुआ वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट करते हैं, वेस्ट बंगाल में अच्छा हुआ गुजरात में करते हैं। सो देर इज लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम द वीएलई एंड सभी को शुभकामनाएं। एंड वी डेफिनेटली विश बहुत सारे बीटा सेंटर खुलेंगे, आई थिंक 1000 बीटा सेंटर तो जरूर खुलेंगे ये साल। एंड महाविद्यालय भी बढ़ेंगे एंड रेलवे टिकटिंग काउंटर मित्र केंद्र भी बढ़ेंगे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीक्षांत, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। लोगों को अगर पता नहीं होगा कि आपकी जगह आपके सेंटर पर वो सीएससी सर्विसेज मिल रही हैं, तो शायद वो उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे सीएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर त्यागी साहब इस समय झज्जर में मौजूद हैं, तो मैं उनसे एक बार अनुरोध करूंगा हम सभी को संबोधित करने के लिए। थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हरियाणा के सारे सीएससी वीएलईज जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को नमस्कार। बाकी जो हमारे देश में हमारे वीएलई आज हमें देख रहे हैं, मैं उनके साथ उनका स्वागत करता हूँ। उनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज सीएससी की ऊंचाइयाँ, सीएससी कहाँ पहुंचा है, इसका एक सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो है कि आज मैं एक बाल विद्यालय, एक गांव में बाल विद्यालय में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ। बट दैट हिटसेल्फ इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। शायद ये पहले कल्पना नहीं होगी किसी ने कि आप किसी गांव में जाकर के और सारे देश के वीएलई के साथ वार्तालाप कर सकते हैं ऑनलाइन, बट टुडे दैट इज पॉसिबल। और बताना चाहूंगा कि ये बाल विद्यालय एक्चुअल में बिल्कुल गाँव में है और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये एक हमारी महिला वीएलई चलाती है। तो जैसे कहते हैं कि हमारी महिला वीएलई बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा सेंटर है। मैंने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक और ऑडियो विजुअल के थ्रू देख के डांस करते देखा है, उनके चेहरे पर चमक देखी है, उनके चेहरे में उनके उन्हें नया जुनून और नया पैशन देखा है। सो दैट इज ऑल पॉसिबल। इसका मतलब है कि गाँव में जो बच्चे हैं हम उनको भी आशा, उम्मीद और उमंग जागृत कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, और बाल विद्यालय का मकसद सिर्फ यही था। तो आज सारे सीएससी जो हमारे हमने 101 हरियाणा में शुरू किए हैं, तो उन सबको बधाई। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बाल विद्यालय शुरू किए हैं, उनसे उम्मीद रहेगी कि वो अपने जैसे शुरू में किसने बताया था कि ये बहुत बड़ा नेक काम है बाल विद्यालय, एक्चुअली इज वेरी नेक काम, जिसमें दुआएं मिलेंगी आपको, जिन परिवारों के बच्चों को आप इसमें जोड़ोगे उनकी दुआएं मिलेगी, और क्योंकि आप देश बना रहे हो तो देश भी आपको दुआएं करेगा। एक्चुअली यू आर बिल्डिंग द फ्यूचर फॉर इंडिया। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और अभी 101 है, और बाकी जो हमारे जो एंटरप्रेनर्स हैं हरियाणा में वो सब भी अगर खोलना चाहें तो बाल विद्यालय खोल सकते हैं, बिकॉज वी विल रीडिफाइन द वे द सीएससी इज लुक्ड एट। सीएससी का जो देखने का तरीका है, लोगों को समझने का तरीका है और कम्युनिटी का एसोसिएशन का तरीका है, वो अलग से डिफाइन होगा। बाल विद्यालय का एक मकसद ये भी है कि अगर बच्चे सीएससी के बाल विद्यालय में आएंगे तो उनके पेरेंट्स भी आएंगे, उनके परिवार भी आएंगे, तो आपके लिए उसकी पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है, बाकी सारे काम वो सीएससी से कराने आएंगे। तो आपका जो एक रहता था कि हमारी पब्लिसिटी कम होती है, आप अब एक सारे लोगों के आसपास के परिवारों से जुड़ रहे हो, और परिवारों से जुड़ने के लिए आपको सबको सपोर्ट करने के लिए सारी सर्विसेज हैं। योर बिजनेस विल ऑल्सो ग्रो। तो बाल विद्यालय विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रोथ इन बिजनेस फॉर द एंटरप्रेनर्स, और ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि बाल विद्यालय में कोई सरकारी वरकारी कुछ लेना देना नहीं है, सो इट इज योर एबिलिटी, आप जितना इसको बड़ा कर सकते हैं और जितनी इनोवेशन कर सकते हैं। इस महीने अगले महीने की 7 तारीख को हम एक वर्कशॉप आईआईटी दिल्ली में कर रहे हैं, इसमें बाल विद्यालय के कुछ लोगों को बुलाएंगे, स्पेस के कॉन्स्टेंट से सबको तो नहीं बुला पाएंगे, यदि कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। आपको आईआईटी के प्रोफेसर जिन्होंने कंटेंट बनाया है उनसे बतवाए, उनसे कराएंगे और विद्यालय को और कैसे कंटेंट 3D कंटेंट से
जैसे आपने देखा होगा वो लगा करके, अगर हम कई सिनेमा में 3D सिनेमा देखे जाते हैं तो ग्लास लगा लेते हैं तो वो लगता है वो एनिमल हमारे पास आ गया, वो हमारे हाथ में आ गया। तो हमारे कंटेंट भी कुछ ऐसे ही बनेंगे, वो 3D होंगे, तो बच्चों को फील होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। तो बाल विद्यालय इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्कूल। कूलर्स हैं, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एनीथिंग यू वांट टू बाय आप CAC के माध्यम से बोल सकते हैं। तो ग्रामीण स्टोर बहुत यूनिक है और ग्रामीण स्टोर शायद पहला है देश में जो इस फॉर्मेट में काम करता है, क्योंकि हमारे ग्रामीण स्टोर में किसी को अपने आप कोई नहीं खरीद सकता, सबको CAC के थ्रू खरीदना पड़ता है। ये वाला फॉर्मेट कहीं नहीं है। सो एंड दिस इज यूनिकली डिजाइंड के अगर किसी इंडिविजुअल को कुछ खरीदना है तो उसको CAC में जाके खरीदना होगा, हम अकेले बाहर से नहीं बेचते। तो अगर आपको बाबा धाम का प्रसाद चाहिए तो आपको CAC में जाके खरीदना पड़ेगा, या आपको कोई प्रसाद चाहिए तो यू टू बिग एक्चुअली फ्रॉम CAC। तो CAC का ये कंट्रीब्यूशन है और ये जो मॉडल है इस देश में बहुत अच्छा चलेगा। तो हमारी तो एफर्ट है कि हम ग्रामीण स्टोर को प्रमोट करके एक नई ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें, एक नया अजवा देश में क्रिएट करें, ताकि वो बड़ी बड़ी जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से बड़ा हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ थोड़ी सी मेहनत करते हैं ग्रामीण स्टोर कैन बी वंडरफुल एंड कैन बीट एनी बडी इन दिस वर्ल्ड, कैन बी, बिकॉज आपके जो जज्बा है वो शायद किसी को नहीं मिलेगा, वो उतने सारे लोग उतने पैशनेट लोग वो शायद नहीं करेंगे। और हमारा देश अभी भी असिस्टेड फॉर्मेट में काम करता है, लोग अपने आप खरीदने में स्पेशली गाँव में डरते हैं, लेकिन आप उसके लिए खरीदोगे तो वो बहुत खुश होता है। जैसे रेलवे टिकट है, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग रेलवे सेंटर पे आके रेलवे टिकट करते हैं, क्योंकि तो उनको पता है कि वो मदद चाहता है। वो असिस्टेड फॉर्मेट ऑफ जो CAC का है दैट इज वेरी गुड फॉर रूरल इंडिया, और हमारे देश में ये चलेगा। बहुत लोगों को शायद अप्रिहेंशन थी, लेकिन हमें डर नहीं है, हमें विश्वास है कि असिस्टेड फॉर्मेट हमारा चलेगा। और इसीलिए आज जो आपने बच्चों ने रेल मित्र केंद्र खोले हैं ये बहुत अच्छे हैं। भारत सरकार तो चाहती है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर भी चाहते हैं, क्योंकि वो रेलवे मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि सारे CACs में रेल की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। रेल की सर्विस का मतलब है कि रेलवे की टिकट होगी प्लस रेलवे की बाकी सर्विस भी धीरे धीरे हम ऐड कर देंगे। अगर उनके उनके जो होटल रेलवे स्टेशन पे जो वो चीजें मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं, अगर उनका बुकिंग है कुछ, तो वो बुकिंग भी CAC के थ्रू हो सकता है। और कुछ कुछ तो रेल वाली जो बाकी फैसिलिटीज हैं, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग विद दैट नेचर दे विल गॉट एक्सटेंडेड। तो हम रेलवे टिकट शुरू करते हैं और उसके साथ साथ बाकी जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो भी हमारे सेंटर से शुरू की जा सकती है, पर वो हमारा मकसद है और सरकार का भी मकसद है। तो आज जो 1500 हमने रेल केंद्र खोले हैं रेल मित्र, उन सबको बधाई और थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम सबसे सस्ते हैं, हम शैतानी नहीं करते हैं एंड दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। इसलिए हमारे बच्चे वो रेल की अलग से डिफाइन करके रेल और रेल टिकट का सेंटर खोल सकते हैं। तो आप थोड़ी सी मदद करना, लोगों को पब्लिसिटी क्रिएट करना, बुला के कभी कभी चाय पिलाना और कर देना, और जो बहुत अच्छा करेगा उसका उसको हम कुछ अवार्ड दे सकते हैं, उसका एयर टिकट हम दे सकते हैं किसी जगह जाने के लिए। दैट वी कैन डू, दैट वी कैन क्रिएट रियली हु विल डू एक्सीडिंगली वेल इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट रियली हु हैज डन मोस्ट ऑफ द टिकट जनरेशन, उसका और उसके परिवार का एयर टिकट एक जगह जाने का वो CAC बेयर करेंगे। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो आपके लिए हम स्कीम भी लाए, क्योंकि दैट इज हाउ वी जनरेट एंड क्रिएट एंथुजियाज्म अमंग यू। दूसरा हमारा था वीटा सेंटर्स का, वो ग्रामीण स्टोर की एक हमारी स्कीम है जिसमें हम चाहते थे कि हम ऐसे प्रोडक्ट भी लाएं जो कि लोकल है, जो लोकल कम्युनिटी को पता है और स्टेट स्पेसिफिक है। तो वीटा एक ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर है और हमें हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि 5000 वीटा सेंटर खोलिए, तो अभी हमने 101 खोले हैं, तो हम शायद हरियाणा चीफ मिनिस्टर की उम्मीदों पर खतरे उतरेंगे। आप सब थोड़ा सा जो हमारे सुन रहे हैं हमारे वेली हरियाणा से, थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ा सपोर्ट करना और वीटा सेंटर खोल लेना। कुछ हरियाणा के वेली मुझे मालूम है वो बीटेक किए, उन्होंने बीटेक किया हुआ है, मुझे कहते हैं कि सर मैं बीटेक किया हूँ, आप मेरे से सब्जी बिकवा रहे हो। ये वाला भूत उतार देना, अपने दिमाग से ये निकाल देना कि आपने बीटेक किया है या एमटेक किया है और फिर आप बोलते हो कि मैं बीटा का सेंटर नहीं खोलूंगा, ये वाला, तभी आप सफल होगे। CAC में सफल होने के लिए सबसे बड़ा है कि कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है, एज लॉन्ग एज इट सर्व द कम्युनिटी व्हाट एवर क्वालिफिकेशन। इनफैक्ट द वर्ल्ड में जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, जो सबसे बड़े कंप्यूटर वाले हैं, वो भी आजकल सब्जियां ही बेचते हैं। तो डोंट वरी अबाउट सब्जी सेलिंग इज नॉट अ नॉट नॉट अ
बैड थिंग इन दैट सेंस। तो वीटा सेंटर्स 5,000 खोलते हैं, हमारी टीम बहुत अच्छा मेहनत किया है, आई थिंक देन वन वंडरफुल जॉब, बट आई थिंक सारे वीलीज वीटा सेंटर खोल लीजिए, नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो हम पैसा हम आपको वापस दे देंगे। आई गारंटी यू दैट ऑल द मनी विच यू स्पेंट, इफ यू फीलिंग दिस नॉट वर्किंग एंड यू आर इनकरिंग ए लॉस, वी विल रिइंबर्स यू द कॉस्ट ऑफ दैट सेंटर, हम आपको पैसा वापस कर देंगे। बट क्योंकि हरियाणा सरकार के सीएम ने बोला है तो लेट्स सेट अप 5,000 ऑफ द वीटा सेंटर, और वीटा की टीम उनके मार्केटिंग हेड हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत मदद की है, एंड वी विल रिक्वेस्ट हिम टू ट्राई एंड सपोर्ट आर एंटरप्रेन्योर्स वेर एवर दे आर। कुछ जगह लॉजिस्टिक का इशू हो सकता है, बट आई थिंक वी शुड हेल्प देम इन लॉजिस्टिक ऑल्सो, अगर वो हमारे वीटा सेंटर पर सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हमारा जो सेंटर है वो किसी दूसरी जगह से पिकअप कर सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। हमारे वीएलई में वो डिफरेंशिएटर है, वो डिफरेंशिएटर है कि अगर उस कंपनी की कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उस कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी उसकी मदद कर सकता हूँ, दैट इज हाउ द सीएससी इज वर्क एंड दैट इज हाउ द सीएससी फॉर्मेट इज डिफाइंड। तो सबने जिन्होंने आज बीटा सेंटर शुरू किया है उनके सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड भगवान आपको दुआएं देगा, आप लोगों को मीठा और ठंडा खिलाना और लोगों का दिमाग भी ठंडा होगा, अच्छी अच्छी लस्सी पिलाना, दे विल ऑल्सो गेट लिटिल बेटर ऑफ इन दैट सेंस, और खूब लस्सी अपने घर में पीना, इट विल क्रिएट हेल्थ फॉर यू, हेल्थ एंड वेल्थ फॉर यू, थैंक यू सो मच। और सभी जो हमारे हरियाणा के वीरलीज हैं बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो एंड यू कैन डू वंडरफुल एंड डू एन एग्जाम्पल फॉर द एंटायर कंट्री, तो पहले अपने लिए जोर से ताली बजा लो एक बार जोर से, ऑल ऑफ वेरी वेल डन एंड वी एक्सपेक्ट टू डू बेटर इन दिस, और इन द लास्ट आवर टीम आशीष एंड हिज टीम दे डन वेरी गुड जॉब, आई थिंक आर हमारी जो टीम है हरियाणा की, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स एंड अदर पीपल आर ऑल्सो एज पैशनेट एज एंटरप्रेनर्स आर, आप तो हैं ही क्योंकि आपके बिना तो शायद नहीं है कुछ भी, लेकिन उनकी जितनी क्षमता है जितनी हम मदद कर सकते हैं वी आर ट्राइंग हेल्पिंग ऑल ऑफ यू डूइंग दैट पार्ट, सो थैंक यू आर टीम हु इज डन दिस वंडरफुल जॉब ऑफ ट्राइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले तो ये खुशी कि एक बाल विद्यालय में, गाँव के बाल विद्यालय में बैठ करके आपसे बात की, ये शायद सारी जिंदगी में याद रहेगा, बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड दैट टू इन ए विलेज इन हरियाणा, फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड, सीएससी की हिस्ट्री में पहली बार किसी गांव में बैठ करके फेसबुक लाइव हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कियो एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच त्यागी सर, ये आप ही का आशीर्वाद है, आपकी एनर्जी है जो बाकी सभी वीएलईज और हमारी स्टेट टीम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसके तरीके से हम बहुत ही अच्छा काम कर पाते हैं। और उतनी ही खुशी हमें भी है कि हम लोग आप वहाँ पर हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं, और जैसा त्यागी सर ने कहा ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो बहुत 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 खुशी है आज के सेशन में। तो चलिए सेशन के हम अंत में पहुँच गए हैं, और मैं अब हमारे साथ प्रभजोत जी जुड़े हैं हरियाणा टीम से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू दीक्षांत, सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ त्यागी सर का कि उन्होंने आज के हमने बिजी शेड्यूल में से हरियाणा टीम के लिए और हरियाणा के वीएलईज के लिए समय निकाला और वो जद्दर में आए, तो मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। मैं आप सभी वीएलईज को बधाई भी देना चाहता हूँ कि आज अगर हरियाणा टीम ने, हरियाणा के स्टेट हेड ने, हरियाणा के स्टेट मैनेजर्स ने या हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स ने ये एक इनिशिएटिव लिया है तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से लिया है। मैं आप सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ, मेरे जितने भी हरियाणा के वीएलईज हैं, अगर आप लोग हमें उत्साह ना दें, अगर आप लोग हमें एक अंदर से इस तरह से काम करने का जज्बा ना दिखाएं तो मेरा डीएम कुछ नहीं कर सकता, मेरा स्टेट का मैनेजर कुछ नहीं कर सकता और मेरे स्टेट हेड कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के अंदर काम करने का जो जज्बा है, नई नई स्कीमों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने का जो जज्बा है, वीएलईज आप लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मेरी टीम, स्टेट टीम, मेरी डिस्ट्रिक्ट टीम और इवन त्यागी सर भी आप लोगों के हमेशा आभारी रहेंगे। हमें आज भी वो दिन याद है 2014 की, अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा के अंदर 200-250 सीएससी सेंटर होते थे और आज इनकी जो संख्या है वो बढ़कर 35,000 पे हो चुकी है, जिसमें से 25,000 से 22-25,000 लोग हर महीने ट्रांजेक्शन करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, मैं बड़ा खुश होता हूँ कई बार मैं और अजीत सर ट्रेवल कर रहे होते हैं, एक दिन अभी सर्दियों की बात है पिछले दिसंबर की, मैं और अजीत सर निकल रहे थे तो करनाल में असंत के पास कोपड़ा गांव है, वहां पर रात को 9:30 बजे के आसपास ठंड के दिन में एक बीएलई ईश्वरम कार्ड बना रहा था, तो हमें बड़ा खुशी हुई उसको देख के कि देखिए कि हमारा सीएससी पॉइंट त्यागी सर ने जो एक सपना देखा था 24/7 सर्विस,
और बीएलई ने वो चीज संभव करके दिखाई है। 24/7 आप लोग सर्विस दे रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है जब हम गांव में जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, बीएलई के साथ साथ गाँव के लोगों से मिलते हैं, सरपंच जी से मिलते हैं, जब वो लोग बताते हैं ना कि आपका बीएलई रात को भी सर्विस देता है, आपके बीएलई के पास हमें पैसे निकलवाने हैं, हम रात को भी जाके पैसे निकलवाते हैं। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह से काम करते रहे, आप लोग हमें इसी तरह से हमारा साथ देते रहे, ताकि आपके साथ के साथ हम लोग हरियाणा के अंदर और ज्यादा सर्विसेज लेके आ सके, और ज्यादा लोगों को सीएससी पॉइंट का जो हम लोग बेनिफिट्स है वो बेनिफिट दिलवा सके। आप देखने के साथ साथ त्यागी सरकार से थैंक्स करता हूं कि त्यागी सर जो ये अंतर रखता था सीए का, हम सब सब मेहनत की, त्यागी सर ने हमें गाइडलाइन दी, त्यागी सर ने हमें आशीर्वाद दिया, तो आज हम इस उपलब्धि पर है। तो आगे इस प्रोग्राम के लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत 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 बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपने हमारा साथ दिया और आज हमने ये प्रोग्राम किया। जैसा कि त्यागी सर ने बोला कि सीएम हरियाणा का सपना है कि हरियाणा के अंदर 5-6 हजार बीटा बूथ हो, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके रिलेटिव जितने भी एमएलएज हैं, आप ऐसे रिमोट एरियाज ढूंढ के लाइए जहाँ पे बीटा भी नहीं है। वैसे तो बीटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई रिमोट एरिया है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जरूरत है हमें बीटा बूथ खोलने की, आप रोहित से बात कीजिए, मुझसे, आशीष सर से, एनी टाइम आप लोग बात कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम से बात कीजिए, आप लोग हमें बताइए, हम लोग वहां जरूर पहुंचेंगे। सेम गोज टू रेल मित्र, देखिए अभी आपको पता है जैसे पिछले साल बोला कि 2-3 साल में पीछे कोरोना की वजह से लोगों ने बहुत कम ट्रैवल किया, बट राइट नाउ अभी लोगों ने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोगों ने अब उस ट्रैवल के लिए लोगों का साथ देना है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रेल टिकट, हवाई टिकट, होटल बुकिंग हम सब लोग अरेंज कर रहे हैं, हम सब चीजें अरेंज करते हैं, आपको सब चीजें अरेंज करनी है। और लास्ट में अगर मैं बाल विद्यालय की बात करता हूँ, देखिए हमारे 101 बाल विद्यालय है, मैं चाहता हूँ कि वो दिन जल्दी आए कि हम त्यागी सर को दोबारा बुलाए और इसको 1001 करें। तो मैं सभी बीएलई से दोबारा से बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट टीम, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते में या 10 दिन में बहुत मेहनत की, बहुत सारे लोगों को समझाया और इसी जो मैं हम लोग लेके आए, तो अगेन सबका थैंक्स, त्यागी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ इसी तरह हमेशा जुड़े रहे ताकि हरियाणा सीएससी टीम आप लोगों की मदद से आकाश की बुलंदियों को छू सके। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद प्रभजोत जी। हेलो, धन्यवाद प्रभजोत जी, जैसा कि आपने बताया हम आने वाले समय में इस 5,000 और 1,000 का टारगेट जरूर छुएंगे। तो चलिए आज के सेशन की यहीं पर हम अंत करेंगे, और जैसा कि कहते हैं कि दूध घी का खाना और नंबर वन हरियाणा, तो इस नंबर वन हरियाणा को हम नंबर वन ही बनाकर रखेंगे और इसे बहुत ही जल्दी एक बार फिर से त्यागी सर को बुलाएंगे और हम सभी भी वहां पर आपके साथ चलेंगे और वीएलई से बातचीत करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा एक बार फिर से पूरी हरियाणा टीम को, सभी वीएलईज को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद, और आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे, नमस्कार।